हार्ट फेल हो जाए तो घबराना मत, मगर श्रद्धा फेल हो गई तो आदमी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। हार्ट फेल होने पर आदमी का एक जीवन जा सकता है, लेकिन अगर श्रद्धा फेल हो जाती है, विश्वास हट जाता है, विश्वास टूट जाता है, तो समझ लेना कि सब कुछ टूट गया। ईश्वर के चरणों में बैठ करके ईश्वर की भक्ति को मांगना, ईश्वर के चरणों में आराधना करने के लिए बैठो, ईश्वर की श्रद्धा को मांगना। मांगने की जरूरत नहीं है, स्वतः मिल जाते हैं। राम जी बैठे थे, पास में हनुमान जी थे, हनुमान ने सिर झुकाया, हनुमान ने शीश झुकाया तो राम का हाथ उठा और हनुमान के शीश पे आशीष के रूप में आ गया। राम ने कहा, हनुमान तुमने मेरा बहुत सहयोग किया है, जब मैं विपत्ति में था, जब मैं संकट में था, तुमने मेरा बहुत काम किया है, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। जिस जिसने मेरा सहयोग किया, जो जो संकट के समय मेरे काम आया, उसे मैंने कोई ना कोई पद दिया है, विभीषण को पद दिया है, अमृत को पद दिया है, इसको पद दिया है, उसको पद दिया है, तुमने मेरा सबसे ज्यादा काम किया है, संकट और विपत्तियों के क्षणों में तुम सबसे ज्यादा काम आए हो, इसलिए आज मेरा दिल करता है कि कुछ मांगो, मैं कुछ वरदान देना चाहता हूं। याद रखना, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, बिन मांगे मिलता है। एक मेरा पुराना भक्त है, साल में एक बार जरूर जहां मैं रहता हूं वहां आता है, और अगर जब वो आता है, अगर मैं लिख रहा हूं तो जबरदस्ती मेरा हाथ उठा करके यूं और अपने सिर पे यूं रखवाता, बोलो मिल गया मिल गया मिल गया, अभी आशीर्वाद हुआ या दादागिरी। संत की मर्जी है, देख लिया ये भी आशीर्वाद है, संत की मर्जी है, देख करके मुस्कुरा दिया ये भी आशीर्वाद, हाथ यूं उठा दिया ये भी आशीर्वाद है, संत की मर्जी है, पिछी को उठाया सिर पे लगा दिया ये भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद के कई रूप होते हैं, मांगने से नहीं मिलता है, बिन मांगे। बड़ा खुश होता है, मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ के यूं अपने हाथ में यूं यूं करो कि मिल गया मिल गया, मैं कहता हूं गया गया। आशीर्वाद तो नाभि से फूटना चाहिए और हृदय में समा जाना चाहिए, वो आशीर्वाद होता है। शीश झुके तो आशीष अपने आप ही मिल जाता है। हनुमान का शीश झुका, राम का आशीष मिल गया। राम ने कहा, मांग लो, कौन सा पद चाहिए। हनुमान भक्त थे, विरक्त थे, उन्होंने कहा, ये पद मत के चक्कर में मुझे मत डालो, नहीं तो आपकी छूट जाएगी, आपका एक भक्त कम हो जाएगा। पद मद मत लेना और ना पद मुझे देना। हनुमान ने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, इसलिए पद नहीं चाहिए क्योंकि पद आते ही मद आना शुरू हो जाता है। पद और मद का चोली दामन का संबंध है। आदमी को जरा कोई पद मिल जाए तो उसका अहम पैदा हो जाता है, मैं फला, मैं ढिका, मैं ये, मैं वो। एक आदमी को मुझे लाया गया, मेरे पास लाया गया, जो लाए थे उन्होंने कहा, ये आदमी है, इसने 8 विषयों में PhD की है। मैंने कहा, ये बड़ा खतरनाक आदमी, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया होगा, 8 विषयों में PhD की है। आप सोचिए, वो आदमी कितने अहम में जीता होगा, कितने अहंकार में जीता, मुझे लाया, मेरे पास लाया गया। दर्शन भी उस आदमी ने उस हैसियत से नहीं किया जिस हैसियत से करना चाहिए। आता है, मुझे जैसे ही देखा, नमस्ते महाराज,